हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत। आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। साथियों, सबसे पहले तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि 10 तारीख में और 11 तारीख में जिनका एग्जाम है भाई आईबीपीएस पीओ का, उनके दिमाग में इस समय सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि सर, हम लोग आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम देने वाले हैं, इस एग्जाम में डीआई का लेवल कैसा रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना झिझक के और बिना देरी के। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया, भैया जाओ मेरा नाम सर्च करो और मुझे जाके फॉलो कर लो। फॉलो करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि अभी हाल ही में मेरा एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है, जिसको अब तक 2 से 3 हजार लोग एनरोल कर चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इस साल का आखिरी एग्जाम है। ये सिर्फ मैथ्स का ही नहीं बल्कि रीजनिंग और इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स होगा। इसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। उसके अलावा मेंस भी चल रहा है। देखो, सिंपल प्रोसेस है। प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेंगे, अपना गोल चूज करेंगे बैंक एग्जाम, उसके बाद हिंदी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर को डाल के अपना सीधे आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, जहां पर ये लिखा जाए आप तुरंत क्लिक करना। 12 महीने की फीस दिखाई देगी 6000, लेकिन आपको 6000 पे नहीं करने हैं। नीचे आपको दिखाई दे रहा है रेफरल कोड AVP और ये 10। जैसे ही आप AVP 10 लिखोगे और अप्लाई कर दोगे तो आपकी यही फीस, साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, 6000 से कम होके 5400 हो जाएगी। और इस 5400 रुपए में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। इसमें आपको मैथ्स भी मिलेगा, आपको इंग्लिश भी मिलेगा, आपको रीजनिंग भी मिलेगा, आपको GA मिलेगा, आपको कंप्यूटर मिलेगा। अनअकैडमी में जितने एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लासेस आप देख सकते हो। और साथ ही साथ में आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे और आपको 10 का वीडियो सॉल्यूशन प्लस व्हाट्सएप ग्रुप। तो रेफरल कोड लगाएंगे AVP10 और अनअकैडमी पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ये आपके मोड ऑफ पेमेंट है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, पहले तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो जल्दी से, फटाफट से लाइक कर दो शेयर कर दो, बार बार नहीं बोलूंगा। शुरू करता हूँ। ये जो डीआई है, ये डीआई पूछा गया था 3 अक्टूबर को, लाइन ग्राफ है ना, 3 अक्टूबर 2020 को एग्जाम हुआ था आईबीपीएस पीओ का, उसमें ये डीआई पूछा गया था कि स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लाइन ग्राफ में गिवन है कि नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन जू ए और बी, भाई 2001, 2002, 2003, 2004 ये ईयर मेंशन है। और जू ए में अगर मैं करूं 2001 में कितने एलिमेंट है आपने कहा, एलिफेंट है आपने कहा 40, जू बी में कितने एलिफेंट है आपने कहा 20। सो डेटाबेस डीआई आपने कहा अगेन ये 20 हो जाएगा 2002 में ए, और बी हो जाएगा आपके पास 40। डेटाबेस डीआई 2003 में मिडिल में, तो 20 और 30 के बीच में क्या नंबर आ जाएगा 25, यस सिंपल। और जैसे ये भी है तो ये 45 हो जाएगा, ये भी बीच में तो ये 35 हो जाएगा, और आपने कहा ये भी बीच में है तो ये भी 25 हो जाएगा। डेटाबेस डीआई आप देख सकते हो। तो जिनका एग्जाम 10 तारीख को है उनको एक डीआई ऐसा लेवल का जरूर मिलने वाला। सवाल करते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एलिफेंट इन 2001 इन बोथ जू, टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट 3 बोथ जू। 2001 में ये रहा तो आपने कहा ये 40 है और आपने कहा ये 20 है। जब दोनों को मैंने कंबाइन किया तो ये हो गया 60 रेशियो, 2003 ये रहा। तो 2003 में आपने कहा ये 45 है और आपने कहा ये 25 है, ये हो गया 70। तो आपने रेशियो बनाया 6:7। तो आप देख सकते हो कि ये 5 नंबर आपके इस बार 10 तारीख के एग्जाम्स में भी डेटाबेस मिलेंगे। जाना है, उड़ा देना है, स्पीड से करना है। अगला सवाल है कि 2001 में इन जू ए, 2001 की डेटा को देखना है, 40 एलिफेंट है, 50% एलिफेंट आर फीमेल, मतलब 20 क्या है फीमेल है 50% और 20 आपके मेल होंगे, ठीक है। और इन जू बी 2004, 2004 में बी मतलब ऑरेंज हीरा, ये कितना है साथियों 25 है, इसमें 80% फीमेल है, तो 80% कितना हो जाएगा 25 हटे 220 आपकी फीमेल हो गई, ठीक है। तो बोल रहा है कि टोटल फीमेल बोथ में, तो यहाँ 20 फीमेल है यहाँ 20, तो 20 प्लस 20 फीमेल कितनी हो गई 40। तो कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार ये तो बहुत ही हलवा है, हम कर सकते हैं, आसान है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, देखो अभी मैं बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया था, उनका बार बार यही कहना था कि सर जो एग्जाम आपने
पेपर जो आपने पढ़ाए हैं ये बहुत हलवा लेवल है, और ये इसलिए था क्योंकि दे आर कंटिन्यू फॉलोइंग अवर कोर्सेज, हमसे अन अकेडमी पर लगातार पढ़ रहे हैं, वो इसका नतीजा है कि उनको डीआई बहुत सिंपल लगा। नेक्स्ट, 2005 टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट इन जू ए, 2005 ये रहा मेरे भाई, इसमें मेंशन ही नहीं है, तो क्या करोगे कि जू ए जो है 40% ज्यादा है 2002 से। अब 2002 पे आप आ गए, ये रहा, तो 2002 में जू ए मतलब ये रहा कितना एलिफेंट है, 20 है ना। तो बोल रहा है कि 2005 में टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट जू ए में 40% ज्यादा है दैट इन ईयर 2002, एंड नंबर ऑफ एलिफेंट इन जू बी इज थ्राइस द नंबर ऑफ एलिफेंट इन जू बी इन 2003, तो 2005 के वो निकालने। तो आपने कहा 2005 में सबसे पहले ए में क्या हो जाएगा, 40% ज्यादा है, तो 20 का 140% है ना, तो 14 टू 28, तो ये हो गया सिंपलीफाई ए में। अब बी में निकालना है, बी में क्या है, तीन गुना था 2003 का बी का, 2003 में भी ये रहा, आपने कहा 25 है, तो 25 का तीन गुना, तो आपने कहा ये हो गई 75, दोनों को जोड़ दो, 8 5 13, 7 2 9 और 1 10, यस लड्डू है। तो आप देख रहे हो कि बहुत मुश्किल नहीं है, मैं फिर से कहूंगा सिंपल है, आसान है, बस चीजों को समझना था, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिफेंट 2003, 2003 में कितने एलिफेंट है, ये 45 है, ये 25 है, तो ये हो गए 70, कितना परसेंट मोर लेस है 2004, 2004 में ये 25 है और ये 35 है, तो ये हो गया 60, तो ये से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है किससे, 60 से, 1/6 का मतलब 16 2/3% या 16.67%, तो बोथ आर इजी, यस कम ऑन लड्डू है ना। नेक्स्ट, आखिरी सवाल है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में और होमवर्क में दोगे, इसका जवाब क्या था। साथियों ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो कि डीआई का लेवल बहुत ही सिंपल आ रहा है, बहुत हलवा आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपका इस बार सिलेक्शन, अगर आपका एग्जाम्स खराब हुआ तो परेशान नहीं होना है आपको, जो मेरा नया कोर्स आ रहा है फाउंडेशन कोर्स, इसमें जुड़िए मेरे साथ में, एडमिशन लीजिए, 3 महीने आप मुझे दीजिए, 3 महीने बाद मैं आपको सिलेक्शन दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ 5400 रुपए आपको पे करने मात्र, आपको प्री का बैच मिल रहा है, मेंस का मिलेगा, मैथ्स मिल रहा है, रीजनिंग मिल रहा है, इंग्लिश मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है। रेफरल कोड आप ABP10 लगाएंगे जिसमें आपको 20 मॉक मिल रहे हैं करने के लिए, बताओ मॉक भी इस बार हम ही दे रहे हैं, 10 मॉक के आपको वीडियो सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप दिया जा रहा है आपको डाउट के लिए, और बताओ है ना, डाउट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, बाकी पूरा का पूरा सिलेबस कवर है, प्री के साथ साथ मेंस भी कवर होगा, जो क्लासेस आपको देखनी, रिकॉर्डिंग्स देख लो, लाइव देख लो, जब आपका मन है लाइव देखो, रिकॉर्डिंग्स देखो। मैंने क्या कहा, 2 से 3 हजार बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, चॉइस इज योर, आज ही जुड़िए हमारे साथ में। मैं फिर से बता देता हूँ कैसे जुड़ना है, प्ले स्टोर लर्निंग एप इंस्टॉल करके, ये करके इस तरीके से जाके सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, लेने के बाद आपको सर्च करना है मेरा नाम अरुण सिंह रावत, जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मेरे प्लस कोर्सेज आपको सारे दिख जाएंगे, ऐसे फाउंडेशन बैच दिखेगा आपको IBPS करके, ठीक है। 5 बजे मेरी फ्री क्लास होती है, वो भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय साथियों, नमस्ते, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू।